अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हैदर और आप देख रहे हैं स्ट्रीम कैलकुलेशंस। और आज हमारा इंजन वाले चैप्टर का तीसरा सवाल है, कह रहा है कि एक सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन 40 किलोवाट ब्रेक हॉर्स पावर पैदा कर रहा है। यहाँ पे एक चीज़ देखें, स्टेटमेंट में गलती है हमारी, जो होती है किलोवाट, ये हमारा यूनिट होता है आईपी का, इंडिकेटर पावर का होता है या फिर ब्रेक पावर का होता है किलोवाट यूनिट, ठीक है। लेकिन जब हम हॉर्स पावर की बात करते हैं तो एचपी खुद एक यूनिट है, एचपी खुद एक यूनिट है जिसमें 745 वाट्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 40 किलोवाट ब्रेक हॉर्स पावर, लेकिन अगर 40 किलोवाट सांस लगाया उसने तो फिर हॉर्स पावर नहीं लगाना चाहिए था, क्योंकि हॉर्स पावर एक खुद जो है यूनिट है। तो यहाँ पे हॉर्स पावर नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ आएगा ब्रेक पावर, 40 किलोवाट ब्रेक पावर पैदा करता है। इसके सिलेंडर का कुतर 20 सेंटीमीटर और स्ट्रोक की लंबाई है 35 सेंटीमीटर। अगर इंजन का पिस्टन 110 मीटर फी मिनट, यहाँ पे भी मीटर फी मिनट है, ये स्पीड जो है ये हमारी होती है आरपीएम में, मतलब कि यहाँ पे हमारे आने थे चक्कर, 110 चक्कर फी मिनट की स्पीड से काम करे तो स्टीम प्रेशर, हमारा जो मेन इफेक्टिव प्रेशर होता है वो मालूम करना है और इंडिकेटेड हॉर्स पावर मालूम करनी है। तो नंबर एक पे हमारे नंबर ऑफ सिलेंडर जो दिए गए हैं के से जाहिर करते हैं, वो एक है। हमारा इंजन डबल एक्टिंग है, स्टीम इंजन ब्रेक पावर है हमारी बीपी से जाहिर करते हैं 40 किलोवाट, ठीक है। इसके सिलेंडर का कुतर हमारे पास डी है, सिलेंडर का कुतर 20 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटरों में कन्वर्ट करना है तो 100 के साथ तकसीम करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 0.20 मीटर। और स्ट्रोक की लंबाई एल से जाहिर करते हैं 35 सेंटीमीटर, इसको भी मीटरों में कन्वर्ट करना है, तकसीम 100 करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 0.35 मीटर्स। अगर इंजन का पिस्टन 110 चक्कर फी मिनट हमारे एन आरपीएम होते हैं, 110 हमारे आरपीएम है, इंजन की स्पीड 100 से काम करे तो स्टीम प्रेशर, हमारा जो मीन इफेक्टिव प्रेशर होता है ये हमने मालूम करना है। और इंडिकेटेड हॉर्स पावर, यहाँ पर भी हमने इंडिकेटेड पावर मालूम करनी है, बाद में उसे हॉर्स पावर में कन्वर्ट कर लेंगे, जबकि इंजन की एफिशिएंसी है हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी 75%। ये जो ईटा है इसे एफिशिएंसी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज इक्वल टू ब्रेक पावर बटा इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई 100। तो हमने यहाँ से मालूम करनी है हमारी इंडिकेटेड पावर, जैसा कि ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो इंडिकेटेड पावर को मालूम करने के लिए हम इसको पहले इस तरफ ले आते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड था इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू ब्रेक पावर मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब मैकेनिकल एफिशिएंसी इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे डिवाइड होगी, इंडिकेटेड पावर ब्रेक पावर मल्टीप्लाई बाय 100 बटा मैकेनिकल एफिशिएंसी, ठीक है। अब हम अपने इस फार्मूले में हमारी वैल्यूज पुट कर दें, ब्रेक पावर है हमारे पास 40,000 वाट मल्टीप्लाई 100 वैसे ही आ गया, बटा मैकेनिकल एफिशिएंसी है 75%। अब जब ऊपर वाली वैल्यूज को ऊपर वाली वैल्यू के साथ जरा देख 75 के साथ तकसीम किया तो ये आ गया 33 वाट, हमारी आ गई इंडिकेटेड पावर, ये हमने मालूम कर ली, ठीक है। अब हमने मालूम करना है हमारा स्टीम का प्रेशर। अब हमारा वही फार्मूला इंडिकेटेड पावर मालूम करने वाला जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था,
इंडिकेटेड पावर इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर दबे लेंथ ऑफ स्ट्रोक दबे क्रॉस सेक्शन एरिया सरफ नंबर इंजन की स्पीड सरफ के नंबर ऑफ सिलेंडर सरफ दो हमारा डबल एक्टिंग के लिए और बटा 60 60। ठीक है, अब हमने यहाँ से मालूम करना है हमारा प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर। तो ये हम मालूम करेंगे, 60 इधर आ जाएगा, इधर डिवाइड हो रहा है तो ये इधर आके 60 इधर आ जाएगा। आई पी इंडिकेटर पावर दबे 60 उधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मीन इफेक्टिव प्रेशर मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई के मल्टीप्लाई दो डबल एक्टिंग के लिए। ठीक है, अब मीन फैक्टर प्रेशर इधर रह जाना है और ये जो बाकी सारी रकम है इधर मल्टीप्लाई हो रही है इसके साथ इधर आगे तकसीम हो जाएगी। इंडिकेटेड पावर मल्टीप्लाई 60 बटा हमारा जो है लेंथ ऑफ स्ट्रोक एरिया क्रॉस एरिया एन के दो। ठीक हो गया, ये हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर इधर आ गया। अब ये सारी वैल्यू इसमें पुट करके हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर आ जाएगा हमारे पास। तो इंडिकेटेड पावर हमने ये निकाल लिया है वाट्स में, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 60 बटा लेंथ ऑफ स्ट्रोक है हमारी यहाँ पे 0.35। अभी हमने एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया निकालना है, उसका फार्मूला होता है पाई मल्टीप्लाई बाय डी का स्क्वायर बटा 4। पाई की कीमत है हमारे पास 3.14 और डी है हमारे पास ये दिया गया 0.20 का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, अब जब 0.20 का स्केयर लेके 3.14 के साथ ज़रब देके 4 के साथ हम तकसीम किया तो ये आ गया हमारे पास 0.0314 मीटर स्केयर में आ गया। ठीक हो गया, क्योंकि ये हमारी वैल्यू मीटर में थी इसलिए मीटर स्केयर में आ गया। तो ये हम इधर पुट कर देंगे 0.0314 मल्टीप्लाई हमारे नंबर ऑफ इंजन की स्पीड है 110 आरपीएम मल्टीप्लाई हमारे के है नंबर ऑफ सिलेंडर्स एक मल्टीप्लाई दो आ गया। ठीक है, अब जब ऊपर वाली वैल्यू के साथ जरब दी तो ये आ गया, और जब नीचे वाली वैल्यू को आपस में जरब दी तो ये आ गया 2.14। ठीक है, अब जब दोनों को एक दूसरे के साथ तकसीम किया तो ये आ गया हमारे पास 13,516.41। ये हमारा मीन इफेक्टिव प्रेशर आ गया। अब इसका यूनिट क्या होगा, क्योंकि हम ऐसे यूनिट्स पे काम कर रहे थे तो इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अगर आप चाहते हैं कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को बार में कन्वर्ट कर लें तो आप इसको तकसीम कर दें 100,000 के साथ तो ये आ जाएगा आपका 13.25 bar। एक चीज रह गई है, अब देखें कि ये हमारी इंडिकेटेड पावर आई है ये वाट्स में आई है, लेकिन यहाँ पे हमें कहा गया है कि इंडिकेटेड हॉर्स पावर में मालूम करें। तो हॉर्स पावर में मालूम करने के लिए इसको 745 के साथ तकसीम कर देंगे तो ये आ जाएगी हमारी इंडिकेटेड हॉर्स। ये आ गई हमारी IHP। तो ये था हमारा सवाल नंबर 3। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और अगर कहीं से समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल में मैं आप लोगों की मैथमेटिक्स की ड्राइंग और थर्मों के जो टॉपिक्स हैं मतलब कि साइकिल वगैरह और बेसिक से शुरू करके और बहुत एडवांस तक जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। We'll be right back.